चाचा क्यों पका रहे हैं? अब आपका ज्ञान ओवरफ्लो हो रहा है। मैंने सब समझ लिया, अब बच्ची नहीं हूं मैं। बस चाचा बस, मैं क्यों इमोशनल हो रहे हैं? मैं सब समझ गई कि जब मुझ में मुसीबतें आएंगी तो मुझे बचाने वाला कोई नहीं होगा, यहाँ तक कि मेरे प्यारे चाचा जी। डोंट वरी, मैं निपट लूंगी आने वाली मुसीबतों से। आज कैसे भी मुझे पूजा का पता लगाना ही होगा। कहाँ है पूजा, किस हाल में है? हाँ जी बताइए, कहाँ है अब्दुल भाई? इधर है पीछे ऊपर। तुम चलोगे मुझे बताओगे कहाँ मिलेंगे? नहीं नहीं आप ही जाइए, मैं नहीं, अनाथ आदमी है वो। विक्रम अपने समय का बहुत ही शातिर अपराधी है, दिमाग से थोड़ा ढीला है, कुछ भी कर सकता है, इसीलिए शहर के बाकी गुंडे उसके आसपास भी नहीं फटकते। ये चंगेज, ये लंकेश उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। देखिए वो क्या करता है क्या नहीं करता है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे बस पूजा को ढूंढना है। वही तो बता रहा हूं, पूजा इस समय उसी के कब्जे में है, और कल जो आदमी तुमसे मिलने आया था वही विक्रम है। What? बस आपका आशीर्वाद मुझे चाहिए साहब। अरे मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ में है साहब। साहब बस ये जरा कैमरे में बोल दीजिए ताकि आपका आशीर्वाद मुझे रोज मिलता रहे साहब। चलो ठीक है ठीक है, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ में है, तुम खूब तरक्की करो, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद साहब। अच्छा भी आपने मेरी जिंदगी बना दी साहब। अच्छा ठीक, जरा एक मिनट चेक कर लूँ, रिकॉर्ड हो गया है ना? हो गया। ओके साहब चलता हूँ। आप कैसे कह सकते हैं वो विक्रम ही था? शहर में कितने गुंडे रिटायर हो रहे हैं और कितने नए पैदा हो रहे हैं, सबकी खबर रखता हूं मैं, और इसीलिए शायद तुमको भी मेरे पास तक आने में इतना वक्त लग गया। वो अभी कहां मिलेगा आप बस मुझे इतना बता दीजिए। इतना आसान नहीं है, वो तो मिल जाएगा पर पूजा शायद तुम्हें ना मिले। आज उनसे पहली मुलाकात होगी, बात होगी। पूजा, पूजा कहाँ चली गई? कौन लेके पूजा को? पूजा चली गई, मोटियों में लिट कर दूंगा, कोई मुझसे पूछ कर नहीं जा पाएगा। पूजा कहाँ चली गई मेरी? पूजा पूजा पूजा। क्योंकि जितने इस शहर में पूजा के चाहने वाले हैं उससे ज्यादा विक्रम के दुश्मन हैं। कौन बोल रहा? हेलो लंकेश भाई। हाँ पता नहीं पूजा कहाँ चली गई है। हाँ यार मेरी शादी थी।
फिर पता नहीं कहाँ चली गई। यार उसे ढूंढो प्लीज, उसे किसी तरह ढूंढो। मुझे माफ कर दो यार प्लीज, पूजा को ढूंढो, पूजा को बचाओ यार, पता नहीं कौन उठा ले गया यार। रकेश भाई पूजा को ढूंढो, मैं आ रहा हूँ। हाँ हाँ मैं आ रहा हूँ मिलने आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ लगेज भाई, मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ। तुम्हारी एक गलती से पूजा की जान को खतरा हो सकता है। आप मुझे बस पता बताइए, बाकी उसका क्या करना है मैं देख लूंगा। पूजा 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 पूजा, अरे कहाँ चली गई मेरी पूजा, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूँ। अगर आपसे दोबारा मिलना हो तो कैसे मिल सकता हूँ? मैं जिससे भी मिलता हूँ बस एक बार मिलता हूँ। मैंने तुम्हें बता दिया कि पूजा विक्रम के पास है, अब पूजा को कहाँ कैसे ढूंढना है ये तुम देखो। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चंगेज भाई बड़ा गदब हो गया। चंगेज भाई पूजा को कोई उठा ले गया। अरे हाँ मैं उठा ले गया था, लेकिन मुझसे भी कोई उठा ले गया। चंगेज भाई प्लीज उसे बचा लीजिए। देखिए पूजा से तो आप प्यार करते हैं ना? हाँ अगर उसे बचाना चाहते हैं तो उसे ढूंढिए, अपनी ताकत लगाइए चंगेज भाई। पूजा भी आपको बहुत प्यार करती है? हाँ हाँ प्लीज। उसकी आंखों में मैंने आपके लिए प्यार देखा है, मैं जब भी आपका नाम लेता था ना, हाँ वो बिल्कुल हरकत करती थी। हाँ नहीं मतलब मैंने उसका मुंह बांध रखा था ना। प्लीज 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 उसको ढूंढिए। हाँ 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 चंगेज भाई प्लीज। हाँ हाँ मैं मिलूंगा आके। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ चंगेज भाई। हाँ एक बार मुझे मिल जाए जान से मार डालूंगा। गेम बजा दूंगा, एक बार मिल जाए बस कौन मिले मेरी पूजा को। पूजा